Hey guys, welcome back to our channel. जैसे कि आप लोगों को पता है अभी चल रहा है दुर्गा पूजा और हर बार दुर्गा पूजा में हम लोग एंजॉय करते हैं बंगाल के दुर्गा पूजा को, लेकिन इस बार हम लोग कहाँ हैं? कहाँ? भिलाई, छत्तीसगढ़ में। इस बार हम लोग भिलाई छत्तीसगढ़ में। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं बंगाल में पूजा मोस्टली 5 दिन की होती है, षष्ठी से लेकर दसवीं तक, बट यहाँ पे पूजा पूरे 10 दिन की मनाई जाती है। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक नवरात्रि मनाते हैं लोग और लास्ट दिन दशहरा यानी कि रावण दहन होता है। यहाँ पे पूजा मोस्ट प्रॉब्ली आपको मिक्स कल्चर में देखने को मिलेगी, बंगालीज और गुजराती कल्चर भी है यहाँ पे, बट ज़्यादातर आपको गुजराती कल्चर ही देखने को मिलेगा। और लोग डांडिया गरबा खेलना यहाँ पसंद करते हैं, तो डांडिया गरबा आपको हर जगह दिखेगा। हर जगह जहाँ भी पंडाल होगा वहाँ पे आपको डांडिया गरबा खेलते हुए लोग दिख जाएंगे और काफ़ी अच्छा माहौल होता है। बट साथ ही यहाँ पे बंगालीज पूजा देखने का भी एक अपना ही मजा है। और हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को एक हर बार एक नए नए शहर घूम के नए नए दुर्गा पूजा का एक्सपीरियंस कराने और बहुत सारा एंजॉय करने की। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करके मिलते हैं आपको यहाँ के पंडाल होके। और यहाँ हम लोग निकल पड़े हैं, जल्दी पूजा देखने के लिए निकले हैं। सब बहुत एंजॉय करते हुए बातें करते हुए ग्रुप में जा रहे हैं पूजा देखने। तो चलिए मिलते हैं आपको पंडाल में। और यहाँ हम लोग आ गए हैं एंटी ड्रग्स थीम देखने, पावर हाउस, भिलाई पावर हाउस में मार्केट के तरफ ये पंडाल हुआ था। बहुत अच्छा थीम था, इसमें बियर बॉटल, सिगरेट, गुटखा का पैकेट, इन सब से बनाया गया था पूरा पंडाल। हुक्का, सिगरेट, इन सब से। एक्चुअली इनका थीम ये था कि एंटी ड्रग हमें फिट करना चाहिए, जो लोग नशा करते हैं उनको, तो वो एक मैसेज देने के लिए ये पंडाल था। और एज यूजुअल हम अपना थोबड़ा ना दिखाए तो कैसे चलेगा हमारा सुंदर सुंदर थोबड़ा। और इसके बाद हम निकल पड़े यहाँ से और चले नेक्स्ट पंडाल की ओर, जो कि है सेक्टर 1 के। और वहाँ का सबसे बढ़िया चीज़ था कि वहाँ बहुत बड़ा सा एक मेला लगा था। मुझे ऐसे ईजीली पूजा वूजा में मेला ऐसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो बहुत वैरायटीज़ ऑफ थिंग्स एक ही जगह पे मिल जाता है, दूसरा ये राइड्स, ओ माय गॉड, मुझे बहुत पसंद है राइड्स करना, स्पेशली नागरदोला मेरा फेवरेट है। और मैं एटलीस्ट एक बार हो लेकिन वो राइड तो मैं करती ही हूँ। सही। और अगेन हम अपना थोबड़ा दिखाते हुए पंडाल की ओर चले। तो ये रहा पूरा पंडाल, बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया घेर के ही ये पूजा हुआ है इस बार। बहुत सुंदर था पंडाल। तो यहाँ पे एक शिव जी का मूर्ति बनाए थे नंदी जी के साथ। और चलिए फिर अंदर चलते हैं, बाहर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। ये मेरे हस्बैंड मेरे को पीछे घूम घूम के देखते हुए, जल्दी जल्दी जाते हुए कहीं घूमना हो जाओ टुकी। कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। और ये रहा पंडाल, तो पूरा पिंक 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 पिंकिश हो गया था अंदर। माँ की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी वहाँ। और फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। बहुत सुंदर हवा दे रहा था, बस गाड़ी में ही आराम मिल रहा था क्योंकि पंडालों में इतना गर्मी था कि क्या बताएं। तो आ गए हम लोग सेक्टर 2। यहाँ इस बार उतना बड़ा कुछ नहीं किया था, लेकिन छोटे में ही बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था। यहाँ पे भी मेला लगा हुआ था, लेकिन मेला घूमने का हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम लोग सीधा पंडाल की ओर गए।
और फिर वहाँ से रिटर्न। इस बार बहुत अच्छा अच्छा राइड्स आया था, जबकि मेले में 2-3 टाइप का नया नया राइड्स देखने को मिला मेरे को, लेकिन चलो कोई नहीं, नेक्स्ट बार पक्का मैं चढ़ूँगी सारे में। और ये सेक्टर 4 भिलाई, भीड़ देख के तो आपको समझ में आ ही रहा है कि क्या हालत है। ये बस लाइन इतना बड़ा हुआ है, तो फिर सोचिए कि तो और लाइन तक मेरे पीछे भी, लेकिन ये बहुत सामने से मैंने लिया था इसीलिए इतना ही भीड़ दिखता है। बहुत भीड़ हुआ इस बार नवरात्रि में, बहुत भीड़ हुआ यहाँ पर, बहुत, मतलब मेरे देखे हुए पिछले 2-3 सालों में से कोविड ही था, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ हुआ है सेक्टर 10 भिलाई। और जबकि ये हम लोग घूम रहे हैं, ये रात के बज रहा था करीब 1:30-1:30-2 बज रहा था, तब इतना भीड़ है, मतलब शाम को तो पैर रखने का जगह ही नहीं था। हम लोग जाके पंडाल के बाहर से वापस आ गए थे, इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर हम लोग रात को निकले खाना वाना खा के, तब इतना भीड़ है। ट्रेन में भी गणेश पूजा भी होता है, वहाँ पर भी दुर्गा पूजा भी किया था एक बार। यह है सेक्टर 7 जो कि बहुत सुंदर, मतलब मैंने जितना पंडाल देखा ये मेरे को सबसे फेवरेट लगा मेरा। ये इसका लाइटिंग, इसका डेकोरेशन बहुत सुंदर था, इसका थीम भी बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा। एक गांव का व्यू देने की कोशिश किए हैं, गांव में जैसे एक एनवायरनमेंट रहता है उस टाइप का सारा मूर्ति बना के उसको दिखाने की कोशिश किए हैं। यहाँ दुर्गा जी बनते हैं, यहाँ नवरात्रि में जैसे उन दुर्गा माँ अलग बनते हैं, ये बंगाल जैसे दुर्गा माँ बनाते हैं, क्योंकि ये बंगालीज लोग ही करते हैं। सेक्टर 7 में एक बंगाली कम्युनिटी है, वहीं पे वही लोग का जो सोसाइटी है वो सब मिलके ये पूजा करते हैं, इसीलिए मेरे पति देव का कार्टून गिरी करने का टाइम था। तो ये पूरा पंडाल, और ये सबसे बढ़िया था कि यहाँ पे बहुत सारा कूलर लगाया गया था, तो बहुत अच्छा हवा खाने को मिल रहा था। और आगे हम लोग सेक्टर 5 मार्केट के पीछे साइड में एक पूजा हुआ था, इसका ये जो रैली लगाया था लाइटों का, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था सामने से भी, आप लोग देख ही पा रहे हो, पता नहीं वीडियो में उतना ज़्यादा अच्छा है कि नहीं, सामने से बहुत सुंदर था, थोड़ा लगभग खाली था। वहाँ पे शायद प्रसादी खिलाया गया था, लेकिन तब तक हम जब तक पहुँचे थे तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। इधर पंडित जी माता को सुलाने की तैयारी में लगे थे। पंडाल भी बहुत सुंदर था, और इस दिन हम लोग थक हार के आ गए घर वापस। Hey guys, देख रहे हैं आप लोग, मैं आ चुकी हूँ रेडी, तो मैं जा रही हूँ गरबा देखने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं और मिलते हैं वहीं। तो नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़े और आए सीधा सेक्टर 5 मेन मार्केट में है। मेन मार्केट में ये पूजा हुआ था, इसका पंडाल बहुत सुंदर था, मतलब हमें पहले दिन पता नहीं था तो नहीं तो इसको भी कवर करते, लेकिन फिर बाद में हम लोग उस दिन रात को जब पता चला तो मैंने देखा ये पंडाल बहुत ही सुंदर था, अंदर से भी बहुत सुंदर था, सजाया गया था बहुत तरह का लाइटों का एक साथ मिक्सिंग करके। और वैसे भी इससे पहले दिन हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना गर्मी में परेशान होके हम लोग उस दिन रात को रिटर्न चले गए थे, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग निकले क्योंकि हमें गरबा भी देखना था। यहाँ का जो स्पेशलिटी है गरबा, वो तो देखना बनता ही है, तो इसीलिए उस दिन चले गए थे, फिर नेक्स्ट डे निकले। और पहले स्टार्टिंग यहीं से किए थे, तो आप लोग देख ही पा रहे हैं इतना अच्छा डेकोरेशन था, बहुत ही। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसके जो कलर कॉम्बिनेशन किए हैं लाइटों के, बहुत ही अच्छा था, सामने से तो और अट्रैक्टिव लग रहा था देखने में। और माँ का मूर्ति, ओह माय गॉड, माँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। हम लोगों को हर जगह वॉइस ओवर देना पड़ा क्योंकि नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाता इसीलिए। और फिर से हम लोग अपना थोबड़ा दिखाते हुए, अपना थोबड़ा जब तक ना दिखाया तब तक कंप्लीट थोड़ी होता है। और वहीं पे ये गरबा हो रहा था, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लाइटिंग किया हुआ था,
और सब मिलकर गरबा कर रहे थे। मैं भी करती हूँ हर बार, लेकिन इस बार नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत हड़बड़ी में सब कुछ किए हैं। रिकॉर्ड के चक्कर में मेरा डांस इस बार नहीं हो पाया। तो चलिए आप लोग गरबा को एंजॉय कीजिए। जब एक्चुअल साउंड के साथ गाना चलता है और मतलब डांस करते हैं लोग तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो वॉइस ओवर देना ही पड़ा, एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं था बोलते। इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ सेक्टर 5 और सेक्टर 5 के जो चौक है वहाँ पे ये पूजा होता है। तो वहाँ पे सब गरबा खेल रहे थे। यहाँ का सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है ये कि सब एकदम मस्त ड्रेस कोड के साथ भी आते हैं, कोई फिर कैजुअल में भी आते हैं, मतलब लेकिन लड़का हो या लड़की सब कोई गरबा करते हैं यहाँ पे। और इसके लिए ना अलग से पूरा ट्रेनिंग लिया जाता है पूजा से पहले, 2-3 महीने से लोग सीखते हैं फिर यहाँ आके गरबा करते हैं। इतना ज़्यादा क्रेजी है गरबा के प्रति लोग। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो मैं तो इसी को देखते हुए खो गई थी। तो चलिए आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। शुरू में इसका स्टेप को कॉपी करना वहाँ उन लोगों के स्पीड के साथ बहुत डिफ़िकल्ट रहता था, लेकिन जब आप 1 बार 2 बार 3 बार उन लोगों के साथ राउंड मार लोगे तो आपको भी आ जाएगा। ऐसा है, वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, सब कोई सिखा भी देते हैं आपको वहीं तुरंत आप सीखो, तुरंत डांस करो, ऐसा टाइप का। बहुत मस्ती होता है, बहुत मज़ा आता है। और ये हम आ गए हैं सेक्टर 6 कालीबाड़ी। ये कालीबाड़ी है जहाँ पे काली पूजा भी होता है, जो यहाँ पे नॉर्मली नहीं होता है। हम लोगों के बंगाल के वहाँ पे काली पूजा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट होता है, यहाँ गणेश लक्ष्मी जी का पूजा होता है, लेकिन इस कालीबाड़ी में काली पूजा होता है। यहाँ काली जी की मूर्ति भी है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा पंडाल किया गया था, मस्त था। इस बार कुछ ज़्यादा ही पिंकिश थीम मुझे दिखा पंडालों में, कुछ ज़्यादा ही पिंकिश हर जगह किया था, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर था बहुत। ये दुर्गा जी, माँ दुर्गा का कुछ बात ही अलग है, उनका मूर्ति देख के ही एक अलग ही सुकून मिलता है। वैसे भी बंगालीज़ों का दुर्गा पूजा मतलब एक अलग इमोशन होता है, एक अलग ही तान होता है। तो ये माँ काली की मूर्ति जो है प्रतिष्ठित है। और अगेन अपना थोबड़ा दिखाते हुए हमारा थोबड़ा दिखाया भी ना, तो ये कंप्लीट है। एक्चुअली हम लोग ना इसी से फ़ोटो भी क्लिक करते हैं, बाद में निकालते हैं क्योंकि अलग से फ़ोटो भी नहीं होता है वहाँ पे, यही लग गया एक ही साथ हो जाता है वीडियो में। तो वैसे बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा था तो सोचा यहीं पर थोड़ा सा हो जाए। और ये सेक्टर 7 में था, मार्केट के सामने इंडिया गेट का थीम बनाया था, बहुत अच्छा था ये। थोड़ा मुझे यूनिक लगा बाकी सब से, इसके अंदर मतलब जो शिव जी के जो सारे रूप है, दुर्गा जी के रूप है, गणेश जी, इन सब को मूर्ति के आकार में बना के पोस्टर लगा के ये एक थीम बनाया गया था, जो कि बहुत ही सुंदर था। मूर्ति भी बहुत ही सुंदर थी।
और इसके बाहर ही बस गरबा हो रहा था, तो हम लोग नेक्स्ट वहीं पे जाएंगे। तो पूरा पंडाल आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग गरबा एंजॉय करेंगे। ये रहा गरबा। गरबा जनरली गुजरात का जो स्पेशलिटी होता है गरबा करना, तो वहाँ का कल्चर है। लेकिन भिलाई क्या है ना, मिक्स कल्चर है। यहाँ पे हर ओकेशन, हर कोई फेस्टिवल ना बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, और सबका थोड़ा 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 लेके करते हैं इसीलिए। तो फाइनली इस साल का पूजा ख़त्म, घूमना पूजा के लिए ख़त्म सब। अब चल रही हूँ घर की ओर। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।